बिरला एयरकॉन पेश करते हैं स्टेनलेस स्टील से निर्मित बिरला एयरकॉन वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर चिलर, आरओ सिस्टम्स एवं फ्रीजर ऑन व्हील्स। कभी न गले सालों साल चले, आइए नवीन इलेक्ट्रिकल्स, पुरानी दिल्ली चुंगी मेरठ। मेरठ नगर निगम द्वारा बनाए गए रैन बसेरा हालांकि उन निराश्रित लोगों के लिए हैं जिनके सिर पर छत नहीं होती, वे बेसहारा होते हैं किसी तरह रात काटने के लिए। लेकिन नगर निगम द्वारा कोई सुध न लिए जाने का असर यह हुआ कि ये अय्याशी के केंद्र बनकर रह गए। इसका खुलासा शुक्रवार की रात मेडिकल कॉलेज के पास बने रैन बसेरा के केयर टेकर ने स्वयं पुलिस के समक्ष किया। उसने शिकायत की कि यहाँ रैन बसेरा में अनैतिक अंजाम दिए जा रहे हैं। पुलिस के छापे में वहाँ से शराब की बोतलें व एक महिला भी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि महिला को डांट फटकार करके छोड़ दिया गया। पहले देखिए रैन बसेरे का हाल। इनकी डिटेल क्या है, मेरे घर में क्या दिक्कत हुई, इनके चक्कर में वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ। इस बारे में केयर टेकर सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी। क्या नाम है? मेरा नाम सुधांशु। सुधांशु, क्या हो रहा है यहाँ पे, कहाँ का ये वो है? ये सर ऐसा है, मेरी दिन की ड्यूटी है 7 से 7 बजे की, मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। तो मेरा काम ये था, मतलब देखभाल ही, मतलब संभालना, ये चीज़ है। मैं रात, मतलब दिन में कंडीशन बिल्कुल बढ़िया बना के देता हूँ, रात में ऐसी कंडीशन मिलती है जैसे, मतलब यहाँ एक जैसा गंडी बाजार अभी कुछ गंदी हिसाब ऐसा हो रहा है, शराब पी के कोई लेडीज बुला रहा है। कौन शराब पीता है? और लेडीज कहाँ से आती है? स्टाफ के आदमी है। लेडीज कहाँ से आती है? ये मतलब लेडीज तो यही बुलाता है। अच्छा, ये बंदा ये बुलाता है, मतलब पैसे देगा किसी को, कोई ऊपर लेके जा रहा है, हाँ। किसी को नीचे। हम खुद शर्मिंदा होगा अपने घर पे ये चीज बचा, क्यों मैं भी इकलौता हूँ अपने घर से। कब से चल रहा है धंधा ये? तो जी मेरी ड्यूटी को अभी 2 महीने देखा, 2 महीने से मैं यहाँ पर आया हूँ मेडिकल में। पर इससे पहले मैं सूरजकुंड था, तो मैं मेडिकल पे से 2 महीने हो गए मुझे, 2 महीने से मैं ये देखता आ रहा हूँ, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा रिपोर्ट खराब है। कैमरे काम नहीं करते यहाँ के? कैमरे काम कर रहे हैं मगर कुछ नहीं है, चोरी भी हो रही है, सगली चीज हो रही है, किसी चीज की वो नहीं। तो लड़कियां बाहर से लाई जाती हैं यहाँ पे? यहाँ पे अजी खूब ऊपर लेके जाना, यहाँ अंदर है, यहाँ डांस होता है। डांस होता है? हाँ जी, यहीं पे ही, मतलब सब चीज होती है। बस ये है, जो भी है ये अमित भाई साहब अपने अपने बलबूते करते हैं। मेरी दिन की ड्यूटी है, मैं दिन की ड्यूटी में अपना काम करता हूँ, सुबह के 7 से 7 बजे तक मैं अपना काम करता हूँ। इनकी जो एक लेडीज है, ये इनकी कल की कहानी थी, ये कल आईसीयू से भर्ती होकर यहाँ पे लेटी थी, तो इन्होंने आके ये कह दी, तू अपने किसके साथ पड़ी है? वो अपने आदमी के साथ बैठी है, वो कह रहे तू इसके साथ क्यों पड़ी है? क्या यहाँ पर महिला अलाउ है? नहीं, महिला अलाउ है ये हमारे स्टाफ के आदमी बता सकते हैं, क्यों हमें भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं दी। ये हम एक आईडी एंट्री की जाती है उनकी? हाँ, एंट्री है, रजिस्टर है, रजिस्टर आधार कार्ड से एंट्री होती है? हाँ जी, आधार कार्ड से एंट्री है, जो आधार कार्ड नहीं फोन नंबर भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।